का सनसनीखेज मामला सामने आया है। स्कूल शिक्षा और राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा के महानिदेशक द्वारा इन जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर जवाब तलब किया गया है। इसकी पोल तब खुली जब कस्तूरबा विद्यालयों में दैनिक सामान खरीदने के नाम पर पैसे खारिज किए गए और प्रेरणा पोर्टल पर छात्राओं की उपस्थिति शून्य दिखाई गई। फिलहाल सीडीओ ने बीएससी की अगुवाई में 3 सदस्यीय टीम का गठन कर मामले की जांच करवाने की बात कही है। हमारे यहाँ खाद्यान्न के मद में 39,60,000 रुपये आया था, जिसमें से हमारे यहाँ 22 लाख रुपया खर्च हुआ है और खाद्यान्न सभी स्कूलों में भेजा गया है और जो खाद्यान्न वार्डन ने अपने स्तर से समिति बना करके खरीदा है बाजार रेट पर, और उस वो खाद्यान्न जो भी है, जितनी बच्चियां आई थी 24 दिन या 25 दिन जो भी विद्यालय खुले थे, वो उतना खाद्यान्न जो खर्च हुआ है खिलाने में 24 दिन 22 दिन 25 दिन जहां भी जैसे आई हैं, उसके बाद जो भी बचा हुआ खाद्यान्न है वो सुरक्षित विद्यालयों में रखा हुआ है। ये हमारे संज्ञान में आया था ये मामला, और प्राइमा फिसाई इसके अंदर ऐसा प्रतीत हुआ कि बच्चे जब नहीं थे तब कुछ जो पहले अग्रिम भुगतान किए गए थे उनको रिलीज़ किया गया है, लेकिन फिर भी इसके अंदर क्योंकि आपके माध्यम से भी हमें पता लगा है तो इसमें कमेटी गठित करके जांच के लिए बीएससी साहब को बोला गया है। इसकी जांच के लिए वो 3 दिन का समय मांगा है उन्होंने, जैसी ही जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पे जांच करवा के फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।